नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना महामारी के बीच अब भारत में लाखों पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। केरल में पिछले कुछ दिनों में 12,000 बतखों की मौत हुई, जिसके बाद 36,000 बतखों को मारा भी जा रहा है। केरल ने इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। कर्नाटक और तमिलनाडु सावधानी बरत रहे हैं, अलर्ट जारी कर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2,400 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी मृत मिले। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली के अनुसार पिछले 10 दिनों में 4,00,000 पक्षियों की हरियाणा में मौत हुई है। हालांकि जालंधर में टेस्ट किए गए, लेकिन फिलहाल बर्ड फ्लू की पुष्टि हरियाणा में नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 30 जनवरी तक 376 कौओं की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज़्यादा 142 इंदौर में हुए। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ में बर्ड फ्लू की सबसे पहले पुष्टि हुई थी। यहाँ एक साथ सैकड़ों की संख्या में कौओं की मौत हुई, जिसके बाद कोटा, पाली, जयपुर, बारा और जोधपुर में तेजी से कौओं की मौत की खबरें आई। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। यहाँ माना वदर तहसील के बाटवा के पास एक साथ 53 पक्षी मृत मिले, तो हड़कंप मच गया। वन विभाग का बर्ड फ्लू की आशंका है, लेकिन वो पुष्टि नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो बर्ड फ्लू का खौफ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले आइए सीधे हम चलते हैं अपने तमाम सहयोगियों के पास, मोहम्मद गजाली के पास जो हरियाणा में मौजूद हैं। अनुराग हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। मोहम्मद गजाली, पहले तो आप ही बताइए कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में क्या हालात हैं, और साथ ही हरियाणा में जहाँ पर आप मौजूद हैं, किस तरह की इन तीनों राज्यों से खबरें आ रही हैं? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम में 2700 के करीब जो पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स जो इस मौसम में अक्सर पंजाब और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सेंचुरी के इलाके में आते हैं, विजिट करते हैं, और उन्हीं से बर्ड फ्लू होने का अक्सर जो है वो अंदेशा पैदा होता है, जैसे यहाँ के वैज्ञानिक कह लें या जो जानकार बता रहे हैं। तो सबसे पहले हिमाचल में ये मौतें शुरू हुई पिछले एक हफ्ते में कह लें या 4-5 दिनों में, जिसके बाद कांगड़ा ज़िले में जो ये पोंग डैम आता है जहाँ पर ये घटना हुई है, उस कांगड़ा ज़िले में पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सेल और कंजम्पशन, बेचना और उसके खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये हिमाचल की है, हिमाचल से सैंपल्स भेजे गए थे भोपाल, जो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, वहां से वो बर्ड फ्लू कंफर्म हो गया। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है करीब पिछले 10-15 दिनों के अंदर 4,00,000 जो ऑफिशियल फिगर है वो 4,30,000 चिकन का है जिसकी डेथ हुई है, लेकिन अनऑफिशियल फिगर और कई पोल्ट्री फार्म ओनर से बात करने से पता चला है कि वो संख्या जो है बहुत ज़्यादा है और करीब 15-20 दिनों से डेथ हो रही थी। शुरुआत में ये लगा क्योंकि ठंड के मौसम में अक्सर मौत इस महीने में नवंबर दिसंबर और जनवरी के महीने में ये अक्सर होता है, जो आप कह लें कि नवंबर दिसंबर के महीने में 1,50,000 हर महीने ऐसी डेथ होती है पोल्ट्री फार्म्स में, लेकिन इस बार संख्या जो है बहुत ज्यादा है, 4,00,000 औपचारिक है लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। उसके बाद जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हरकत में आया और उसके जो सैंपल्स हैं वो जलंधर में एक रीजनल लेबोरेटरी है वहां भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट सभी आनी बाकी है। इन दोनों राज्यों की वजह से जम्मू कश्मीर जो यूटी है और पंजाब, यहां अलर्ट जारी हो गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। इवन कि हरियाणा में हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि जलंधर से रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन हेल्थ एडवाइजरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है उसमें ये बात कही गई है कि आप पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं अगर उसको हाई टेम्परेचर पे पकाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है उन पोल्ट्री फार्मर्स के लिए जो कोविड के वजह से उनके बिजनेस को झटका लगा था, वो अभी रिकवर कर ही रहे थे कि दूसरा झटका लग गया, और इसमें एक बड़ा कारण ये भी मान रहे हैं पोल्ट्री फार्मर्स कि कोविड के वजह से जब लॉकडाउन हो गया था तो अक्सर ये जो चिकन होते हैं इनको एक वैक्सीन दी जाती है, लॉकडाउन की वजह से वो वैक्सीन समय पे नहीं दी गई तो जो वायरस है वो म्यूटेट हो गया जिसके वजह से ये डेथ हो रही है, ऐसा पोल्ट्री फार्मर्स का मानना है। जब तक जालंधर की लैब से रिपोर्ट नहीं आ जाती है हरियाणा में हम अभी नहीं कह सकते हैं कि बर्ड फ्लू का केस पाया गया है। ठीक है, और पंजाब की क्या स्थिति है? आपने हमें हिमाचल और हरियाणा का जिक्र किया है, पंजाब से भी क्या इनपुट्स मिले हैं? पंजाब में भी तरन तारण में
एक बर्ड सेंचुरी है जहां माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो सिमिलर इंस्ट्रक्शंस यहां भी इन्फोर्स किए गए हैं कि आप खाने में जो एडवाइजरी दी गई है कि हाई टेम्परेचर पे उसको कंज्यूम करें, और साथ के साथ जो है एनिमल हस्बेंड्री और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो सैंपल्स कलेक्शन के लिए भी रेडी हो रहे हैं। वो इस पे अलर्ट हैं कि कहीं किसी वर्कर जो पोल्ट्री फार्म में काम करता है अगर उसकी तबीयत में कुछ गड़बड़ी हो या कहीं कोई भी डेथ होती है पोल्ट्री फार्म में किसी चिकन की, तो उसके बाद वो उसके टेस्ट करेंगे। फिलहाल आज जब हरियाणा की हालत देखी गई, उसके बाद पंजाब के जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं त्रिप्त राजेंद्र बाजवा, उन्होंने अपने विभाग के सारे कर्मचारी और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी की है और कुछ देर में वो एडवाइजरी भी जारी करेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल पंजाब में कहीं भी कोई मौत नहीं हुई है या बर्ड फ्लू का कोई ऐसा केस नहीं पाया गया है। हमारे साथ अनुराग द्वारी मौजूद है। अनुराग, मध्य प्रदेश में तो इसकी पुष्टि हो चुकी है, किस तरह की जानकारी आपको पूरे प्रदेश से मिल रही है? देखिए निधि, खास तौर पर मध्य प्रदेश में जो मालवा, निमाड़ और जो राजस्थान से लगी हुई सीमा वाले जिले हैं, इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और दिसंबर से लेकर जनवरी के अभी तक 400 से ज़्यादा कौओं की मौत हो चुकी है और कुछ और पक्षियों के भी मौत की बात सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग और कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज एक बैठक हुई है और एक निर्णय ये लिया गया है कि दक्षिण से आने वाला जो पोल्ट्री है उसको सीमित अवधि के लिए फिलहाल उस पर रोक लगाई जा रही है और भी कुछ एहतियाती कदम सरकार उठा रही है। ये कहा है कि कोई किसी किस्म की कोई घबराहट ना फैले, सरकार सारे उपाय करेगी। लेकिन जैसा गजाली बता रहे थे, यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है कि पहले लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पोल्ट्री उद्योग पर खासा असर पड़ा था और अब चूंकि बर्ड फ्लू की यहाँ पर पुष्टि हो गई है, कुछ और सैंपल्स भेजे गए हैं, इसको लेकर पोल्ट्री उद्योग में खास करके बहुत निराशा है और एक तरह की बेचैनी और घबराहट भी लोगों में देखी जा सकती है। खासतौर पर अगर मालवा, निमाड़ जो जिन जिलों में ज़्यादातर ये मामले सामने आए हैं, जैसे इंदौर है, आगर मालवा है या मंदसौर है, वहाँ पर इसको लेकर लोगों में थोड़ी घबराहट जरूर है। बिल्कुल, चिंताजनक स्थिति तो है ही। अनुराग, हर्षा हमारे साथ मौजूद है। हर्षा, राजस्थान में तो कहा जा रहा है झालावाड़ से सबसे पहले ये जानकारी आनी शुरू हुई थी, वहाँ पर भी हालात चिंताजनक है, क्या डिटेल्स आपके पास? जी देखिए, राजस्थान में जो हालात है उसमें इस तरह से हैं कि जो कौए हैं उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौतें हो रही हैं। पहले झालावाड़ में हुई, उसके बाद जो है बारां, कोटा, जयपुर और जोधपुर में भी हुई, लेकिन जोधपुर के जो सैंपल्स थे वो नेगेटिव आए हैं। लेकिन ये चार जिलों में स्वाइन फ्लू की, आई बेग योर पार्डन, बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। साथ ही अब चिंता का विषय यह है कि पोल्ट्री तक ये नहीं पहुंचे और इसके संदर्भ में अब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो पशुपालन विभाग है, उन्होंने एक्सपर्ट्स और पशुपालन पोल्ट्री में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। कुछ दिशा निर्देश उनको दिए जाएंगे, टीम्स सब जगह भेजी जा रही हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि सिर्फ क्रोज ही नहीं लेकिन दूसरी जो चिंता है कि कहीं ये जो है दूसरे बर्ड्स में नहीं फैले। आप जानते हैं कि जो भरतपुर में घना बर्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं। दूसरा जो जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उस पर भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है कोई उनमें संक्रमण या संक्रमण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात रखना जरूरी है और इसलिए एक हेल्पलाइन भी उन्होंने शुरू कर दी है कि कहीं भी अननेचुरल, अप्राकृतिक टाइप की कोई बर्ड्स की डेथ हो, पक्षियों की डेथ हो, तो उसको रिपोर्ट करके सरकार को उसकी सूचना दे ताकि वो एहतियात के कदम ले सके। इसमें एहतियात ये होती है कि अगर कहीं बर्ड्स आपको मृत मिलते हैं तो उस एरिया 1 किलोमीटर उस एरिया को नो मोबिलिटी जोन बताया जाता है और फिर वो कार्कसेस का डिस्पोजल बहुत केयरफुली, बहुत तरीके से किया जाता है कि वहां से जो इन्फेक्शन है वो आगे नहीं फैले। बिल्कुल हर्षा, अगर मैं अनुराग आपसे ये समझना चाहूँ, अभी हम कुछ देख रहे हैं, कुछ नेतागण ट्वीट भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग घबराएं ना और जो अगर अंडे और जो मुर्गियां हैं इनको ठीक से पका के खाएं, डरना नहीं चाहिए। तो उस लिहाज से वहाँ पर किस तरह से जो ये पोल्ट्री में लोग में जुड़े हुए हैं वो किस तरह से इस पर आश्वासन दे रहे हैं या क्या कहना है उनका?
जैसे अगर जो जैसे मैंने पहले कहा था कि गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ पर एक कड़कनाथ मुर्गा है जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी उसकी मांग रहती है, तो इसको लेकर वहाँ काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो उच्च स्तर की मीटिंग हुई है उसमें ये तय हुआ है कि सीमित अवधि के लिए जो दक्षिण भारत से पोल्ट्री आती है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह पोल्ट्री उद्योग तक ये ना फैले, क्योंकि जैसे हर्षा ने बताया मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर जो मौतें अभी तक हुई हैं और जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वो कौए हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो जो इंसान जिसका सेवन करते हैं उन तक ये पोल्ट्री उद्योग तक ये ना फैले, इसी के लिए सरकार सारे एहतियाती कदम उठा रही है। निधि जी बिल्कुल। और गजाली एक आपसे अंत में, क्योंकि हरियाणा से बहुत सप्लाई दिल्ली में आता है और जिस तरह से एहतियात बरतने की बात की जा रही है और बिल्कुल अफवाह ना फैले और घबराहट भी होगी पोल्ट्री के काम में जो लगे लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मैंने अनुराग से भी पूछा कि भाई आप ठीक से गर्म करके अंडों को या चिकन को खाएं, बार बार इस तरह की बात बयान सामने आ रहे हैं, हरियाणा से किस तरह की जानकारी इस लिहाज से? देखिए, हरियाणा में जो पंचकुला जिले का बरवाला शहर है वो एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री का मार्केट भी है, यहाँ से सप्लाई भी बहुत होती है, बहुत लोग एम्प्लॉयड भी हैं। खबर बर्ड फ्लू की हिमाचल में सबसे पहले हिमाचल में कंफर्म हुई, इस रीजन में कि हिमाचल में बर्ड फ्लू है, तो इसी खबर से जो है अचानक आप कह लें कि जो उसका फौरन आफ्टर इफेक्ट होता है कि जो ऑर्डर्स थे अब उसकी चिंता होने लगी है। जो अंडे की सप्लायर हैं यहाँ पे, जो डीलर्स हैं पोल्ट्री फार्मर्स से जो अंडे लेते हैं और अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते हैं, हमने कई सप्लायर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि अब कहीं ना कहीं वो ऑर्डर देने में देरी हो रही है, रेट्स डाउन हो रहे हैं, या जिन ऑर्डर्स की डिलीवरी हो चुकी है उसकी पेमेंट पे भी असर पड़ने लगा है, क्योंकि लोग अब शक में हैं कि ये पहले का प्रोडक्ट है, बर्ड फ्लू फैलने से पहले का है, या ये सप्लाई कहां से आ रही है, या हिमाचल के जानवर तो नहीं थे। तो इस तरह की चीजें हैं और कहीं ना कहीं उसकी चिंता बढ़ी हुई है। और इस सेक्टर से कई लोग जुड़े हैं, जो फीड में काम आता है वो बाजरा काम आता है, तो बाजरे का रेट डाउन हो जाएगा। इस तरह से जो होटल इंडस्ट्री है जहां नॉनवेज सर्व होते हैं, ये आइटम सर्व होते हैं, उन होटल एसोसिएशंस में आपस में चर्चा हो रही है कि क्या सीरियसली ये केस है या नहीं है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म जो फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, उनका अभी भी पंचकूला या हरियाणा में ये मानना है कि ये बर्ड फ्लू का केस नहीं है, सीजन हर साल ऐसा होता है और इस साल वैक्सीन टाइम पे ना दिया गया लॉकडाउन की वजह से, इसलिए ज्यादा मौतें हो रही हैं, या वो बर्ड्स हैं जो पुराने हैं जिनको अभी तक हम बेच चुके होते, नहीं पाल रहे होते, तो ऐसे केसेस की वजह से डेथ्स बढ़ी हैं, ये पोल्ट्री फार्म ओनर्स का मानना है। लेकिन सरकार अभी भी अपने एडवाइजरी में यही कह रही है कि आप यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे पका सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे, हालांकि पंजाब में देखिए कहीं भी एक केस भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हरियाणा और हिमाचल की वजह से पंजाब में, जम्मू कश्मीर, यूटी में हर जगह अलर्ट्स जारी हो गए हैं और एडवाइजरी जारी हो चुकी है। आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद यही करते हैं कि ये ज़्यादा इसका फैलाव ना हो। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं देश की बात में और आगे उत्तर प्रदेश चलेंगे। बदायूं में एक 50 साल की महिला का सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई और FIR दर्ज करने में लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को सस्पेंड किया है। एक छोटा सा ब्रेक। बदायूं में अपने बीमार पति के लिए दुआएं मांगने मंदिर गई एक महिला का गैंगरेप के बाद उसे मार डाला गया। इस मामले में पुजारी समेत 3 लोगों पर FIR हुई है जिसमें 2 गिरफ्तार हो गए हैं। FIR दर्ज करने में लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी सस्पेंड है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। वो अपने बीमार पति की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ मांगने मंदिर गई थी, गैंगरेप के बाद मार डाली गई। शाम 5 बजे निकली, 7 बजे तक नहीं आई तो बेटे ने फ़ोन किया, फ़ोन बंद मिला। रात 11 बजे मंदिर के पुजारी 2 साथियों के साथ उसकी लाश उसके घर छोड़ के चले गए। तुम्हारी माँ किसने मारी? उन्होंने मारी है। बाबा ने तुझे पहले जाती थी बाबा के पास? पूजा करने जाती थी। तो जैसे रात के 11 बजे तो किस टाइम से पूजा करने वहाँ गई? क्या बजे लगवा? 5 बजे। अगली सुबह घर वालों ने इलाके के थाने में FIR लिखवानी चाही, लेकिन थाना इंचार्ज ने नहीं लिखी। उनका कहना था कि महिला कुएं में गिर के मर गई है। SSP के दखल से FIR लिखी गई।
इस प्रकरण में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तात्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की तस्दीक के बाद FIR में हत्या के साथ गैंगरेप की दफा बढ़ाई गई। पुलिस ने जल्द ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सब पे NSA लगेगा। ये फिट केस बनता है NSA का, हम इसमें NSA की भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपए तक के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से ये सब उनको दिलवाए जाएंगे। कहाँ थे आप? लेकिन आरोपी पुजारी का कहना है कि वो उसे कुएं में गिरी मिली थी। तो जी कब आई थी यहाँ? शाम है आई है। कल शाम या आज शाम? आज शाम, जहाँ खत्म नहीं था कल शाम। तो फिर इसके बाद में घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो फिर दही बात पर सूचना। फिर जी मर कैसे गई? हाँ कुएं में कैसे गिरी? कुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही था, गिरी अपना भी गिर गई और हमारे माल बना था भी। तुम्हें जानकारी ना? हाँ जब क्या नहीं तो होता भाजी के गए अंदर के क्या नहीं तो पता चल गई तुम्हें। 17 घंटे बाद इस घटना की FIR होना ये बताता है कि महिला सुरक्षा के इतने संवेदनशील मामलों में पुलिस के तमाम लोगों का रवैया अभी भी कैसा है। मुख्यमंत्री इससे नाराज़ हैं, उन्होंने बरेली जोन के ADG को इसकी जांच सौंपी है और STF को इसमें सहयोग करने कहा है। बदायूं में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और खबरों में आगे, इंदौर में कमेडियन की जमानत याचिका फिलहाल खारिज। किसान आंदोलन को आज 42 दिन हो गए हैं। इस आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारी अब चल रही है। 7 जनवरी को यानी कल बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली रैली आयोजित की जा रही है। 42 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान गुरुवार को एक बड़ी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस परेड में पंजाब से आए किसानों के हजारों ट्रैक्टर तो होंगे ही, हरियाणा के भी हर गाँव से 10-10 ट्रैक्टर आएंगे। ये परेड गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और मेवात से सुबह 11 बजे शुरू होगी। बहुत सारी ट्राली तो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्राली फंसी हुए निकलेंगे ना, जो अच्छी निकले वो निकलेंगे। पर हरियाणा, पंजाब से और राजस्थान से बड़ी भारी गिनती में ट्रैक्टर ट्राली वहाँ से आएगी। अच्छा। हमने उनको कहा कि आप भारी गिनती में आओ, यहाँ से निकालेंगे। अच्छा। पर फिर भी अगर नंबर आप जानना चाहते हो कि यहाँ से हम 1000 ट्रैक्टर ट्राली लेकर के टिकरी बॉर्डर की ओर चलेंगे, उधर से 1000 लेके वो इधर को आएंगे। ये तो हमारा यहाँ का प्रोग्राम है। जो लोग हरियाणा से अपने आप सपोर्टिव नहीं आए कल को बड़ी संख्या में, उनका अंदाजा कोई नहीं, कई हजारों में हो सकती है। किसान दावा कर रहे हैं कि उनकी ये परेड 25 जनवरी के पहले की परेड का ट्रेलर होगी और शांतिपूर्ण रहेगी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान बारिश और कड़ाके की सर्दी जैसे मुश्किल हालात होने के बाद भी डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर बारिश को देखते हुए मंच पर और उसके सामने वाटर प्रूफ टेंट लगा दिया गया है। पहला सर इस तरह से कि पहला दूसरा टेंट सीगा जी, वाटरप्रूफ नहीं टेंट सीगा, उदे कारण हुण तुहानू पता 2-4 दिन की बारिश ज़्यादा हो रही है, उदे कारण थले बैठे किसानों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही सी। हुण जिहड़ा ये संघर्ष आई सरकार मान नहीं रही, संघर्ष लंबा जा रहा वा, उदे कारण सानू वाटरप्रूफ टेंट का अरेंजमेंट करना ही पैना सीगा जी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली के स्कूलों की इन बसों में किसानों के लिए रैन बसेरे बना दिए हैं। इसके लिए बसों की सीटों को निकालकर बिस्तर लगा दिए गए हैं, जिससे बारिश में भी किसान आराम से सो पाएं। ये तकरीबन 17-18 गाड़ी हमारे स्कूलों की जो तैयार होके आई है इस टाइम। अच्छा। प्रॉपर सिस्टम जेड़ा सीटों निकाल के। अच्छा। ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जी, ये सब साझा समाज का काम है जी, सबका योगदान होना चाहिए जी, जी। इसलिए जो हमारी कमेटी से आदेश आए हैं उन्होंने सारा ये सिस्टम करवाया गया। तो आपने पूरी सीटों को निकाल दिया है? पूरी सीटों को निकाल दिया। अच्छा। निकाल के वो स्कूल में रख दिए, फिर जब लगा लेंगे बाद में जाके। सड़क पर एक महीने से खड़ी ट्रॉलियों के आसपास फॉगिंग की जा रही है, जिससे किसान बीमारी से बच सके।
चांदनी चौक के कारोबारी बलविंदर सिंह अपने बेटे और स्टाफ के साथ किसानों के जूते पॉलिश कर रहे हैं। लंगर पानी बहुत चल रहा है, ट्राली की ट्राली भर के आ रही पंजाब से हरियाणा से, कोई कमी नहीं किस चीज की, यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर 6 महीने साल भी बैठे रहेंगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो फिर हमने मैंने मन में ये आया कि वहाँ पॉलिश की सेवा की जाए, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें जो है ना है नहीं, सेवा अलग से की जाए। तो वो सेवा हम गुरुद्वारे से करते ही आ रहे थे, तो फिर हमने सामान इकट्ठा करा दिल्ली से, इकट्ठा करके सामान फिर आए हैं। परसों मेरी भाई भाई थी साथ में, अच्छा, तो फिर वो आज बेटा आया साथ में, अच्छा, तो मान भाई मान ऐसे करके आ रहे हैं जी करके सेवा। इन सबके बीच अब 7 जनवरी की ट्रैक्टर ट्रॉली परेड पर सबकी नजरें हैं, कहीं किसानों और सरकार में एक बार फिर टकराव देखने को न मिले। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका कल इंदौर के सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी। फारूकी को शनिवार को 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौर ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। इंदौर में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यतेंद्र कुमार गुरु की इस अदालत ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके दोस्तों को जमानत नहीं दी। पुलिस की दलील को माना कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मुंडो कैफे में इन दोनों आरोपीगण द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था, जो COVID-19 की गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया गया था, और नाबालिग बच्चों और माताओं के सामने भी अश्लीलता प्रदर्शित की थी, और इनकी प्रथम जमानत आवेदन श्रीमान CJM साहब द्वारा खारिज किया गया था, और उससे व्यतीत होकर आज इन्होंने यह आवेदन पत्र माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन था, जिसे आज माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इस कारण से इस आवेदन को आज माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। शासन की तरफ से इस बात पर पैरवी की गई कि यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है तो उससे जो जनमानस है उनमें गलत मैसेज जाएगा, और किसी तरह इसके इन लोगों को अगर जमानत दी जाएगी तो उससे कुछ परिस्थिति खराब होने की संभावना है। माननीय न्यायालय अनुसार जो प्रकरण की परिस्थिति है उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत निरस्त की है। हमारे पक्षकार जो हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं की गई, और यदि कोई उन्होंने कोई किसी तरह का ह्यूमर या कॉमेडी करी भी है तो उसका इंटेंशन किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इन सब आधारों पर हम अब आगे ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत करेंगे। पुलिस ने मुनव्वर फारूकी, नलिन यादव, एडविन एंथनी, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास को बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य गौड़ की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। गौड़ की शिकायत थी कि आरोपियों ने हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 299A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के तहत किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने, धारा 269 गैर कानूनी या लापरवाही से किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना और IPC के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। घटना के बाद कुछ वीडियो सामने आए जहां फारूकी को मंच पर गौर के साथ बहस करते और बाद में माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। पहले तो आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हिंदू देवी देवता नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जो टेररिज्म और इस्लाम पे आपने अल्लाह के ऊपर अगर मेरे झोंक से किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। और वो वीडियो 15 दिन बाद अपलोड मैंने किया है और आपने उसका एंड नहीं देखा होगा, तो मैंने फर्स्ट इन्होंने जो कहा कि इसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो उसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लेरिफिकेशन डाला है। इसके बाद मुनव्वर के दोस्त सदाकत की भी कोर्ट परिसर के पास पिटाई की तस्वीरें वायरल हुई। तुकोगंज पुलिस ने अपने आवेदन में ये भी संदेह व्यक्त किया है कि ये कार्यक्रम मालवा निमाड़ क्षेत्र में हाल में ही जो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई है इसकी पृष्ठभूमि में एक सुनियोजित प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। इंदौर से समीर
हेमंत, और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और आगे खबर मुंबई से। एनसीबी ने बदल दिया है अपने काम करने का तरीका। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट शहर में फैले नशे के सभी छोटे बड़े सौदागरों के जाल को तोड़ने में लगी हुई है। पहले सिर्फ नशे के तस्करों की धरपकड़ की कोशिश रहती थी, लेकिन अब छोटे बड़े सभी ड्रग्स तस्कर, पेडलर और सेवन करने वालों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का अभियान चल रहा है। देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बनी केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के पहले तक बहुत कम लोगों को पता था कि शहर में इसका कोई वजूद भी है, लेकिन बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट के जाल को तोड़ने में लगी एनसीबी आज सीबीआई और ईडी से ज्यादा चर्चा में है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और अर्जुन रामपाल तक को एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ा है। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को जेल की हवा खानी पड़ी है। ड्रग्स केस में कुल तीन किरदार होते हैं, तस्कर, पेडलर और यूजर। कभी पेडलर और यूजर को नज़रअंदाज करने वाला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब छोटे बड़े पेडलर, यहाँ तक कि ड्रग्स लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। नतीजा, नशेड़ी सेलिब्रिटीज की नींद उड़ी हुई है। मुंबई एनसीबी के पिछले 5 सालों की कार्रवाई पर नजर डालें तो एजेंसी के नेतृत्व और उसकी कार्यशैली में आए परिवर्तन की साफ झलक मिलती है। साल 2016 में 23 केस में 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, तो 2017 में 30 केस और 38 गिरफ्तारी, 2018 में 25 केस में 55 गिरफ्तारी और 2019 में 35 केस में 50 गिरफ्तारी, जबकि साल 2020 में 46 केस हुए और 90 गिरफ्तारी हुई। 30 केस तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस के बाद हुए हैं, जिसमें कोकीन, चरस, एफिड्रीन, गांजा और एलएसडी तक की बड़ी मात्रा में बरामदगी के साथ बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट सहित तस्करी के 7 अलग अलग मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं, जिनमें आजम जुमन शेख, वाहिद अब्दुल कादिर शेख, सुल्तान मिर्जा, करीम लाला, करमजीत सिंह उर्फ केजे, शाहिद शेख और अनुज केशवानी जैसे बड़े नाम हैं। खास बात है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ ये कार्रवाई कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन जैसे प्रतिकूल समय में की गई है। एनसीबी के 25 अफसर कोरोना के शिकार भी हुए हैं। नतीजा, एनसीबी के देश में फैले दूसरे राज्यों के यूनिट से अफसरों को बुलाना पड़ा है। बहरहाल, कार्रवाई तो बढ़ी है, लेकिन असली चुनौती मुकदमों को अदालत में अंजाम तक पहुंचाने की है, जो आसान नहीं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात के आखिर में, देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी का नज़ारा, कहीं खुशी कहीं गम भी।